एक गांव में दो भाई अपने अपने परिवार के साथ रहते थे। एक भाई अमीर था तो दूसरा गरीब। दिवाली आई, सारे गांव में खुशियां मनाई जा रही थी। परंतु छोटे भाई के पास तो खाने लायक भी कुछ नहीं था। वह बड़े भाई के पास मदद मांगने गया। बड़े भाई ने दुत्कार कर बैरंग वापस भेज दिया। बेचारा उदास लौट रहा था कि रास्ते में एक बूढ़ा दिखाई दिया। बूढ़े के पास लकड़ियों का एक बड़ा सा गट्ठर था। बूढ़े ने उससे पूछा, क्या बात है बेटे, बहुत उदास हो, दिवाली पर तो खुश होना चाहिए। काहे की दिवाली ताऊ, मेरे भाई ने भी मेरी मदद नहीं की। मेरा परिवार भूखों मर रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। यदि तुम मेरी मदद करो, इन लकड़ियों के गट्ठर को मेरे घर पहुंचा दो, तो मैं तुम्हें जो दूंगा उससे तुम अमीर हो जाओगे। छोटा बूढ़े के पीछे चलता हुआ लकड़ियों के गट्ठर को उसके घर छोड़ आया। बूढ़े ने छोटे को एक मालपुआ दिया और बोला, जंगल में जाना, एक जगह अजीब तरह के तीन पेड़ तुम्हें दिखेंगे, जिसके पास एक चट्टान होगी। ध्यान से देखोगे तो चट्टान के कोने में तुम्हें गुफा का एक मुंह दिखेगा। गुफा में चले जाना, वहां तीन बौने रहते हैं, मालपुआ उन्हें बहुत पसंद है, वे इसे किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। तुम उनसे धन नहीं मांगना, बल्कि कहना मुझे पत्थर की चक्की दे दो। छोटा भाई गुफा में जा पहुंचा। उसके हाथ में मालपुआ देखकर एक बौना बोला, ये मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके बदले में जो कहोगे दे दूंगा। छोटा बोला, मुझे बस अपनी पत्थर की चक्की दे दो। चक्की लेकर छोटा जैसे ही चलने लगा, बौना बोला, इसे मामूली चक्की ना समझना, इसे घुमाने पर तुम जो मांगोगे इसमें से निकलता रहेगा। इच्छा पूरी होने पर इस पर लाल रंग का कपड़ा डाल देना, सामान मनना बंद हो जाएगा। चक्की लेकर छोटा भाई घर पहुंचा। पत्नी और बच्चे भूखे थे। उसने कहा, यहाँ पर एक कपड़ा बिछाओ। कपड़ा बिछाकर चक्की उसके ऊपर एक किनारे रखकर छोटे ने चक्की चलाई और बोला, चक्की चक्की चावल निकाल। बस चावलों का ढेर लगना शुरू हो गया। लाल कपड़े से चक्की को ढककर छोटे ने फिर कपड़ा हटाया और दोबारा चक्की चलाकर बोला, चक्की चक्की दाल निकाल। ढेरों दाल निकलती रही। थोड़ी देर बाद छोटे ने चक्की को ढक दिया। दाल चावल बनाकर सबने अपना पेट भरा। रात सबने चैन की नींद ली। बचे हुए ढेरों चावल और दाल को लादकर छोटा अगले दिन बाजार में बेच आया। वापस आकर उसने फिर वही क्रम अपनाया और इस बार ढेरों गेहूं, चावल, भिन्न भिन्न दालें चक्की की मदद से निकाली और बेचकर ढेरों पैसे कमा आया। दिनों में ही वे अपने भाई से भी ज्यादा अमीर हो गया। चक्की की मदद से कभी घी, कभी तेल, कभी नमक, कभी मसाले, कभी बादाम, कपास, जो चाहे उसे प्राप्त होता रहता था। बड़ा भाई उसकी खुशहाली से जलने लगा। उसने सोचा, चंद दिनों पहले तो ये भूखों मर रहा था, अब इसके हाथ क्या लगा जो ये मुझसे भी ज्यादा धनी हो गया है। एक रात चुपचाप वह छोटे के घर में छुप गया। सारा भेद उसके आगे खुल गया। अगले दिन जब छोटा बाजार सामान बेचने गया था, तो बड़ा भाई छोटे के घर पहुंचा और उसके घर से चक्की चुरा कर ले आया और अपने परिवार को लेकर दूर कहीं टापू में जाकर बसने के इरादे से घर से चल पड़ा। समुद्र किनारे पहुंचकर उसने एक नाव खरीदी। सभी उसमें बैठ गए और नाव में बैठकर टापू की ओर चल दिए। उसकी पत्नी हैरान थी कि एक बेकार सी चक्की लेकर उसका पति सारा घर बाहर छोड़कर हम सबको लेकर कहां जा रहा है। बड़े भाई ने पत्नी की जिज्ञासा शांत करने के लिए चक्की को घुमाया और बोला, चक्की चक्की नमक निकाल।
बस फिर क्या था, नमक का ढेर नाव में लगना शुरू हो गया और नाव डूबने लगी। बड़े भाई को चक्की बंद करने का उपाय तो पता नहीं था, उन सब की जल समाधि बन गई, सभी चक्की समेत समुद्र में डूब गए। कहते हैं कि चक्की अब भी घूम रही है, तभी तो समुद्र का पानी खारा है। शिक्षा, लालच बुरी बला है।